श्री राम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे भाई। तो आज अपने यहाँ धान की खेती के लिए बिचड़ा होना है, जो अपना ट्रैक्टर है हम लोग अभी लेके जाने वाले हैं। तो इसमें भी लगा हुआ ट्रेलर, तो ट्रेलर को पहले इसको काटेंगे, मतलब अलग करेंगे, अलग करके खड़ा करेंगे। यहाँ से देखो ये पुल्ली है, इस पुल्ली को हमें निकालना होगा। और इसका जो नीचे में दिया हुआ है यहाँ पे स्टॉपर, वो लगाएंगे। और उसके बाद इसमें फिर हम लोग फिट करेंगे अभी हल, और हल के बाद फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे खेत पे। और खेत पे जुताई करने के बाद उसमें हम लोग चौकी देते हैं, मतलब वो उसको प्लेन करते हैं, उसको सापट बोलते हैं, चौकी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। आप अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा में लोग बोलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग उसमें धान का जो बीज है उसको बोएंगे। तो चलो पहले टेलर को काटते हैं। तो भाई हमने अपना टेलर को कर लिया अलग, और आगे में अब हल रखा हुआ है। पहले चल के हल को करेंगे सेट। पहले तो यहाँ सेंटर मिलाना होता है, क्योंकि जब तक सेंटर नहीं मिलेगा इसका तब तक वो लगेगा नहीं। हल में जहाँ पे वो सेट होता है उसका सेंटर मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो भाई हमने हल को कर लिया सेट, और इसको सेट करने में 3-4 जगह पिनअप करना पड़ता है। यहाँ पे देखो ये क्या है, इसका एक लॉक होता है, और ये जो लॉक है ये लॉक नहीं लगेगा तो कभी भी इसका जो कनेक्शन है ये कट सकता है, खुल सकता है। तो चलो अब चलते हैं यहाँ पे खेत पे, क्योंकि अपना ट्रैक्टर में हल ठीक हो गया है, और अब जो है उसको निकाल के, और इसके पीछे हम लोग एक ये देखो ये है चौकी, लकड़ी का ये एक ये होता है, इसको भी इस पर लोड करेंगे और इसी से पूरा खेत को प्लेन करते हैं हम लोग। बस बस वहीं रखो वहीं रखो वहीं रखो वहीं रखो। ये जो खेत देख रहे हैं नीचे वाला, ये जुताई किया हुआ है, बारिश के वजह से इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी हो गया था, तो जुताई करके इसमें पानी थोड़ा सूख जाए इसकी वजह से छोड़ दिया गया था। और एक इसका नीचे भी खेत है, मतलब दोनों खेत में बिचड़ा होता है, क्योंकि अपना मतलब हमारा जो जितना भी खेत है उसमें पूरा खेतों में लगाने में जितना बिचड़ा लगता है वो यहाँ पे दोनों खेतों में लगभग हो जाता है। और यहाँ पे बिचड़ा लगाने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे इस कुएँ में पानी बहुत अच्छा खासा है रहता है, जिसके वजह से जब बारिश ना भी हो तो हम लोग आराम से जो है बिचड़े में पानी डालते हैं। तो चलो अभी अपना ट्रैक्टर आ गया है, और इसमें सबसे पहले चौकी देना है, और चौकी दे के उसको पहले प्लेन करना है, फिर इसकी जुताई करना है, फिर चौकी देना है। तो अभी नीचे वाले में अभी होगा।
तो भाई एक्चुअली ऐसा है कि पापा आ गए हैं और पापा को जितना अच्छा से नॉलेज है चौकी मतलब देने का, ज़मीन को समतल करने का, खेत को समतल करने का, उतना हम लोग को नॉलेज नहीं है। तो अभी पापा ऑपरेट कर रहे ट्रैक्टर को और अभी पूरा सपाट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अभी इस वाला खेत जो बचा है ना इसको, अभी इसमें भी वही चीज़ सेम चीज़ करना है, इस वाले खेत में भी वही चीज़ होगा और उसके बाद फिर शाम तक बिचड़ा डलेगा इसमें। तो नीचे वाला खेत हो गया कंप्लीट और अब ट्रैक्टर आ गया अपना ऊपर वाला खेत। टीनो तो यहाँ पे अभी खेत का काम पूरा हो गया है लगभग लगभग, अब बस ट्रैक्टर यहाँ से निकलने वाला है क्योंकि थोड़ा बहुत जो नहीं मिला हुआ है उसे अभी मिला रहा था। और उसके बाद अब यहाँ से चलेंगे घर और शाम तक इसमें बीज डालकर और उसके बाद फिर अगले दिन पानी पर डालेंगे उसमें, ताकि बीज अंकुर कर जल्दी से बिचड़ा तैयार हो जाए अपना। और आज यदि बिचड़ा हो जाता है तो आज से 22 दिन के बाद फिर अपना रोपा स्टार्ट होगा। अब भगवान बारिश अच्छे से टाइम पे देना, यही दुआ करो यार आप लोगों, क्योंकि किसान के लिए बारिश बहुत ही ज़रूरी है और बारिश ना हुआ तो समझो कि किसान जितना भी अपना संपत्ति दाव पे लगाता है खेती करने में तो सारा व्यर्थ चला जाएगा। भाई बिचड़ा करते करते बारिश भी आ गया और बारिश का काम था, हम लोगों को आवश्यकता था इसकी, क्योंकि लेकिन 5 मिनट और लेट से होता तो अच्छा होता। और देखो सब कोई लगे पड़े हैं।